हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्ञान प्लस चैनल में। आज हम आपके लिए नोबेल पुरस्कार 2018 के सभी विजेताओं के बारे में कुछ जानकारी लेकर आए हैं तथा तथा ये बताएंगे कि किन किन खोज के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला और वो कौन कौन से वैज्ञानिक हैं। थोड़ा हम नोबेल पुरस्कार की बेसिक की भी बात कर लेते हैं, कब इसकी शुरुआत हुई और कहाँ पे हुई और इसकी शुरुआत में कितना पुरस्कार दिया जाता है। तो नोबेल की बात करते हैं तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में स्वीडन में हुई थी। ये स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। इसकी स्थापना स्वीडिश संस्था ने की थी 1901 में, लेकिन अर्थशास्त्र का नोबेल 1969 में शुरू किया गया। 1901 में नोबेल पांच क्षेत्रों में दिया जाता था, भौतिक, चिकित्सा, रासायनिक, साहित्य व शांति के क्षेत्र में, लेकिन 1969 से ही अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। इसमें इसमें जीतने वाले वैज्ञानिकों को $1 मिलियन की इनाम राशि मिलती है। इसके साथ साथ इनको एक मेडल भी मिलता है। तो ये रहा कुछ इतिहास नोबेल पुरस्कार के बारे में। अब हम बात करते हैं 2018 में नोबेल पुरस्कार किसको किसको मिला और किस खोज के लिए मिला। तो बात करते हैं 2018 के पहले भौतिक नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो 2018 का भौतिक पुरस्कार आर्थर अस्किन, अमेरिका के जो वैज्ञानिक हैं इनको मिला है। आर्थर अस्किन अमेरिकी वैज्ञानिक जो हैं इनको मिला है, और इनके साथ साथ गेरार्ड माउरो फ्रांस के वैज्ञानिक हैं इनको मिला है। इसके साथ साथ डोना स्ट्रिकलैंड जो कनाडा के वैज्ञानिक हैं इनको मिला है। इनको किस किस खोज के लिए ये ऑस्कर पुरस्कार भौतिक का मिला है? तो इनको सबसे छोटी और तेज़ लेजर तरंगों की खोज के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला है। किस लिए मिला है? सबसे छोटी और तेज़ लेजर की तरंगों की खोज के लिए। अब आगे बात करते हैं दूसरे नोबेल पुरस्कार के बारे में। दूसरा नोबेल पुरस्कार रसायन नोबेल पुरस्कार है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो रसायन का नोबेल पुरस्कार 2018 का फ्रांसिस आर्नोल्ड यूएसए जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक हैं इनको मिला। जॉर्ज स्मिथ जो कि अमेरिकी वैज्ञानिक हैं इनको मिला, और ग्रेगरी विंटर जो कि ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं इनको मिला। ये किस क्षेत्र से जो खोज के लिए मिला? तो ये प्रोटीन से जुड़े आविष्कार के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे नोबेल पुरस्कार की ओर। अब बात करते हैं चिकित्सा नोबेल पुरस्कार की। चिकित्सा नोबेल पुरस्कार 2018 जेम्स एलिसन जो कि अमेरिकी वैज्ञानिक है और तासुकी होन्जो जो कि जापान के वैज्ञानिक है इनको मिला। इनको कैंसर थेरेपी की खोज है तो इनको नोबेल पुरस्कार चिकित्सा का मिला। आगे बात करते हैं शांति नोबेल पुरस्कार 2018 की। तो शांति नोबेल पुरस्कार 2018 केनिन डेनिन डेनिन मुकवेगे कांगो को मिला, और नादिया मुराद इराक को मिला। इनको किस लिए मिला? तो इनको यौन हिंसा की रोकथाम के प्रयास के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। आगे बात करते हैं तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की अभी घोषणा नहीं हुई है, इसलिए जैसे घोषणा होगी हम आपको तुरंत बताएंगे इसके बारे में। और साहित्य नोबेल पुरस्कार 2018 में घोषणा की गई है कि इस वर्ष यह पुरस्कार कि साहित्य नोबेल का पुरस्कार किसी भी को नहीं दिया जाएगा। तो ये रहे नोबेल पुरस्कार की जानकारी दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तथा इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिससे उनके कुछ काम आ सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।